ये हमने ऑफर लगाई हुई है जी, 1 किलो बीफ के साथ 2 कबाब बिल्कुल फ्री हैं जी। अच्छा। ये डाइनिंग के लिए जो लोग इधर आते हैं तो 1 किलो बीफ के साथ 2 कबाब फ्री। इधर ही अपना जानवर हम लेके काटते हैं, लोगों के सामने साफ सुथरा गोश्त होता है जैसा हमारा जायका मेयार है। शामी कबाब है, बड़ा मजेदार है। और ये जो कॉम्बो मिलता है ना पुलाव के साथ शामी कबाब का, ऐसी आवाज आती है। ये बताएं कि आपको यहाँ की बिरयानी पुलाव कैसी लगी? बहुत जबरदस्त है। आपको यहाँ का मतलब एम्बियंस कैसा लगा? अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत मजा। ऑफर कैसे? हाँ, ऑफर भी सही है, इनकी अच्छी है। तो आपको यहाँ की पुलाव कैसी लगी? नाइस, अच्छी लगी। और आपको यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा? अच्छा लगा। बताओ आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपको यहाँ का प्राइस कैसा लगा? सही लगे, अच्छे। अच्छा, ये बताएं कि आपको यहाँ के नली वाली पुलाव कैसी लगी? ये बहुत अच्छी लगी। और आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, नली का टेस्ट आया? हाँ, क्यों नहीं आया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखती हैं आंखों और सुनते गानों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान शफीक। एक बार फिर से मैं आपको बिरयानी सर्वे के तौर पे आज मैं आपको जो जिस जगह पे लेके आया हूं ये है अल्लाह राज़ी। इससे पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट आया कि भाई आपने जो है वो दी अल्लाह राज़ी बिरयानी है उसके हवाले से आपने बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह राज़ी बिरयानी के हवाले से। कूद के चले हो भाई, हाँ चले हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये अब मैं आपको यहाँ पे जो बताने आया हूँ बेसिकली यहाँ के बिरयानी के सर्वे के हवाले से, और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं कि यहाँ पे हम आपको बिरयानी का सर्वे क्या करवाने आए। आइए मेरे साथ। ये 460 गए, वो 560 गए, ये 280 है। एक किलो जी, ये भी 1 किलो, वो 1 किलो, ये पैकेज है वो बीफ। अच्छा, 4 कुटिंग सर, 4 कुटिंग सर। अच्छा, ये कितने का? ये 560 का, 8 कुटिंग सर का ही है। ये 460 का, 4 कुटिंग सर, वो देख ले बीफ 280, 4 कुटिंग सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, नाम मोहम्मद औरंगजेब। अच्छा औरंगजेब भाई, ये कितना अरसा हो गया कल्लू चौक पे? कल्लू चौक पे सर तकरीबन 2 साल हो गए हमें इधर। हाँ जी। अच्छा, और अपना 2 साल यहाँ हो गए, इसके अलावा भी आपकी हमारी ब्रांचेस हैं सर? शादमान वाली साइड पे हमारी ब्रांच है और बल्दिया 4 में भी हमारी ब्रांच है। 2 ब्रांच है, तीसरी ब्रांच हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था तो वो खत्म हो गया, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो फेक नाम से यूज कर रहे हैं और उनसे बहुत ज्यादा शिकायत थी। अभी आप मेन ब्रांच पे कल्लू चौक पे खड़े हुए हैं जी। क्या रेट है आपकी बिरयानी का? क्या बीफ बिरयानी का जी? 560 रुपए पर केजी है हमारा। 560 रुपए जी। हमने अभी देखा था कि कुछ रेट पे फर्क था, कुछ में गोटियां ज्यादा थी तो उसका रेट थोड़ा, ये 560 था जी। कबाब भी थे, कबाब ये हमने ऑफर लगाई हुई है जी, 1 किलो बीफ के साथ 2 कबाब बिल्कुल फ्री है जी। ये डाइनिंग के लिए जो लोग इधर आते हैं तो 1 किलो बीफ के साथ 2 कबाब फ्री। यहाँ पे डिलीवरी करते हैं? बिल्कुल डिलीवरी हो जाती है। ऑल ओवर कराची हमारा जो ऑर्डर का सिस्टम है वो डिलीवर हो जाता है। इसके अलावा हमने राइडर रखा हुआ है, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है तो उसका राइडर भी पहुंचा देता है। डिलीवरी फ्री है? डिलीवरी लांडी कुरंगी के लिए हमारी फ्री है, वैसे ऑल ओवर कराची हमारी डिलीवरी हो जाती है। लोकेशन आपको बताऊंगा कि इंडस हॉस्पिटल के करीब है, कुरंगी नंबर 4। आप किसी से भी गूगल लोकेशन पे भी सर्च करेंगे तो अल्लाह राजी के नाम से कल्लू चौक आपको बता देगा, कुरंगी नंबर 4 भी आपको। कल्लू चौक जो है बहुत मशहूर चौक है, यहाँ पे एक दूध वाला होता था कल्लू नाम का, उसके नाम से कल्लू चौक बना है और ये बड़ा मशहूर था और ये कल्लू चौक से मशहूर हो गया। डिफेंस से जब चलेंगे आप आएंगे यहाँ पे हॉस्पिटल पे और उससे सीधा बिल्कुल 4 नंबर पे आएंगे, 4 नंबर से उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो कल्लू चौक आ जाता है थोड़ी सी आगे जाके। और ये फूड स्ट्रीट है कोरंगी की, बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है जहाँ पे अल्लाह राजी बिरयानी, मशहूर अल्लाह राजी बिरयानी। अच्छा, ये आपने अभी मैंने देखा है आपने अपनी बछिया काटी है और बछिया का गोश्त आप बना के यहाँ पे खा रहे हैं, एक नई रिवायत आज दोबारा से। बिल्कुल, हमारा आजकल बड़ा चल रहा है जैसा आप देख सकते हैं जी, हम अपना ही जानवर इधर लेकर आते हैं, इधर ही काटते हैं ओपन माहौल में, जैसे कि हमारा ओपन किचन है ऐसे ही हम अपना ही जानवर खरीदते हैं। छोटी बछिया है लेकिन ताजा गोश्त, ताजा बिल्कुल बेहतरीन बोनलेस हम गोश्त से इस्तेमाल करते हैं जी। इधर ही अपना जानवर हम लेके काटते हैं, लोगों के सामने साफ सुथरा गोश्त होता है जैसा कि हमारा जायका मेयार है। हमारे अपनी गाड़ी रखी हुई है डिलीवरी के लिए है हमारी, शादियों के लिए और बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर हम लेते हैं, ये इसे हम डिलीवर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ ऑल ओवर कराची, हम इसकी डिलीवरी गाड़ियाँ।
हमारे पास ये फिलहाल अभी एक है, तो इंशाल्लाह हम इसको मुस्तकबिल करीब में जैसे ही बड़ी गाड़ी में भी तब्दील बड़ी गाड़ी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। एक्चुअल मैं आपको यहाँ पे फीडबैक जब बात आती है ना कि आप खाने के हवाले से रिव्यू बताएं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, तो इसलिए मैंने एक मशहूर हमारी सेलिब्रिटी हमारे ब्लॉगर्स हैं हमारे कुलीग हैं तो उनको मैंने बुलाया कि इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई आप बताएं, आप समीर नवाजी मुझे ये बताएं कि भाई कैसा लगा जाएगा, मैंने जाएगा कैसा। मैं लोगों को सबसे पहले रिकमेंड करूंगी, अगर आप ये कहते हैं कि भाई कल्लू चौक बहुत दूर है, तो अगर आपको अच्छा खाना खाना है ना, जब आप हाईवे जा सकते हैं तो कल्लू चौक भी आ सकते हैं, सही है। और बात करते हैं खाने के जायके की, बेहतरीन खाना इनके पास अभी हमने मंगाया है चने का पुलाव, ये है बीफ का, बीफ बेहतरीन है, साफ सुथरा गोश्त है। ये जो है गोश्त की मैंने बात करी, इनका अपना माशाल्लाह अपना जानवर कटता है डेली, ठीक है, ये वहाँ उसी का अपना गोश्त होता है। और बकौल इनके ये जो हम बनाते हैं ना, वही खुद भी खाते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी पार्सल लेके जाते हैं। चावल देखिए, चावल की क्वालिटी बेहतरीन है, और उसके साथ जब आप पुलाव के साथ आते हैं और जब कॉम्बिनेशन आप लगाते हैं शामी कबाब का, ये देखें फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। अच्छा, रेशेदार शामी कबाब बता रहे ना, रेशेदार शामी कबाब है, बड़ा मज़ेदार है। और ये जो कॉम्बो मिलता है ना पुलाव के साथ शामी कबाब का, ऐसी आवाज़ आती है, मैं 10 में से इनको पूरे 10 से 10 दूंगी, क्योंकि पूरा कॉम्बो जो मिल रहा है ना, रायता पानी कोल्ड ड्रिंक भी अगर आप लें, कबाब लें, ये सारी चीज़ें 10 out of 10। अल्लाह राजी क्या इनसे रिव्यू लेने वाले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई ये बताएं कि आपको यहाँ की बिरयानी पुलाव कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त है। आपको यहाँ का मतलब एम्बियंस कैसा लगा? अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। नहीं, हमारे पास वहाँ मलीर में सौदाबाद की तरफ भी इस नाम से खुला हुआ, पर वो ऐसी नहीं है, वो फेक है, हम मॉडल कॉलोनी तो यहाँ पे खाने आते हैं, इसका जायका अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भाई ये बताएंगे फेक आपने खाएंगे, फेक्स की ट्राई करिए? फेक्स की तो ट्राई नहीं की है, मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं वो 2 से 3 मरतबा यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने अच्छा। और यहाँ के प्राइस? प्राइस बहुत रीजनेबल है, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुने तो मुझे बहुत रीजनेबल। आपको यहाँ के पुलाव कैसे लगे? नाइस, अच्छी लगी। और आपको यहाँ का एम्बियंस कैसा लगा? अच्छा लगा। और आपको रिकमेंड करते हैं कि लोग आए यहाँ पे ट्राई करें? आना चाहिए। भाई आप बताएं, आप रिकमेंड करते हैं? जरूर रिकमेंड करता हूँ, आना चाहिए। और आपको यहाँ के प्राइस कैसे लगे? प्राइस सही है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, और खाने में बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम आया, और दिल्ली बिरयानी सॉस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपको यहाँ के प्राइस कैसे लगे? सही लगे, अच्छे, सही है। एम्बियंस? नॉर्मल। तो ये बताएं कि आपको यहाँ के नल्ली वाली पुलाव कैसी लगी? ये बहुत अच्छी लगी। और आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, नल्ली का टेस्ट आया? हाँ, क्यों नहीं आया? तो आप यहाँ पे खा रहे हैं, आपको कैसे लगे? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत मजा। आपको ऑफर कैसे लगे? हाँ, ऑफर भी सही है, इनकी अच्छी है। आगे प्राइस कैसे लगे? प्राइस भी सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? भाई ये बताएं कि आप कहाँ मौजूद हैं? अल्लाह राजी बिरयानी पे मौजूद। सर ये बताएं कि आपको टेस्ट कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है यहाँ। और यहाँ की ऑफर? ऑफर भी अच्छी है माशाल्लाह, इसको 10 में से 9 मार्क्स है। 10 में से 9 मार्क्स। भाई इनको भी आप रिकमेंड करते हैं, लोग अभी आए और ट्राई करें? जी जी। अपना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताएं कि आप इनको कितने मार्क्स देंगे बिरयानी? 10 में से 9। 10 में से 9। आप रिकमेंड करिए, लोग अभी आए और ट्राई करें? जी बिल्कुल, आना चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो कैसी लगी डील हमें जरूर बताएगा। वैसे डील इस बार बस यही थी इसमें कि आपको 1 किलो के साथ जो है वो 2 कबाब मिल रहे हैं और 2 शामी कबाब मिल रहे हैं। माशाल्लाह जन्नत ने आपको बेहतरीन सा फीडबैक दिलवाया और बहुत प्यारी बहुत क्यूट है ये, तो इसलिए मुझे लगा कि जन्नत को ही चांस देते हैं और जन्नत ने आपको बेहतरीन से फीडबैक दे दिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारी एक और ब्लॉगर कुलीग थी जिन्होंने आपको खाने के हवाले से पूरी डिटेल बता दिए, सर्वे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपको क्या करना है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दिएगा, और इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।